तो आपका 10% अभी आपके पास अभी भी गुंजाइश है, मतलब 10% में यदि आपने जो है 50 में से यदि आपने 48 नंबर ले लिए तो आप उसको तो बीट कर ही देंगे ना, जिसने आपका 500 में से 450 में से 430 लिए हैं, आप बीट कर। पॉजिटिव हो गया उसी चीज को नेगेटिव हो गया, तो वो क्या अपने शब्दों में उसको पिरोए, चाहे जो थॉट हो उसके, उसको उसको डिमेरिट माने या मेरिट माने, पर उसके स्ट्रांग व्यूज, हाँ स्ट्रांग व्यूज होना चाहिए। जो चीज अपने हाथ में उसके लिए क्या फायदा, तो प्रिपरेशन अपने हाथ में तो प्रिपरेशन है वो करें भाई, ओबीसी है ये एससी एसटी है या रिजर्वेशन है नहीं रिजर्वेशन है क्या फायदा उसके बाद का, वो चीज हमारे हाथ में नहीं है, लड़के के हाथ में नहीं है, लड़के के हाथ में इंटरव्यू देना है अच्छी तरह से दे। जो रिपीटर है उसकी थोड़ी इंजीनियरिंग है और प्लेटेबिलिटी उनके लिए जो फ्रेश है वो प्लेटेबल ही नहीं है और नॉर्मल स्टैंडर्ड में ही नहीं आ रहे हैं, अक्सर लोग ये समझते हैं ही गलती करते हैं नॉर्मल करना है मुझे बस, नॉर्मल इट सेल्फ एज अ स्टैंडर्ड, यू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड देन ओनली यू कम टू द नॉर्मल, यही साइकोलॉजी कुछ। देखो जो क्वेश्चन हम यहाँ पूछे आप कोई भी पूछेगा डेफिनेटली वो तो कोई बाय चांस ऐसा होगा कि उस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पूछ लिए गए, बट जो बेसिक्स रहते हैं ना करीब वही रहते हैं। यहाँ आप गाइडेंस प्रोग्राम में उनको आप बार बार इंटरेक्ट करोगे ना तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा यार, और उनको ये सबसे बड़ा सिखाना चाहिए कि इंटरव्यू किस ओर ले जाना है ये आपकी कला है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आप ही के जवाबों से सवाल निकालता है, मतलब मेरे जैसा। कॉमन मिस्टेक दैट आई नोटिस्ड वाज दैट दे वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि उनसे पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि होता क्या है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग यू आर स्टडिंग अ लॉट, तो कितनी बार बहुत सिंपल चीज पूछी जाती है एंड यू नो आपके दिमाग में इट्स अ बिग इंटरव्यू इट्स अ बिग थिंग, तो जो आंसर आप दे रहे हैं यू आर मेकिंग इट अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज आपको नहीं लगता कि इतना सिंपल सवाल पूछा होगा। सो इन जनरल जो एक चीज मैंने पकड़ी थी कि इवन व्हेन दे वर आंसरिंग समथिंग दे वर ट्राइंग टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड Even if the answer was very simple. तो लैंग्वेज कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, और जिस तरीके से इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं बच्चे या करके आए तो उनको अंग्रेजी का नॉलेज है, बट स्टिल लैंग्वेज इज नो बैरियर, मतलब नॉलेज, मेरा यह कहना है कि नॉलेज और लैंग्वेज दो अलग चीज़ें हैं, अगर बच्चे को नॉलेज है तो किसी भी लैंग्वेज में अपने को एक्सप्रेस करेगा वो बता देगा, ठीक है लैंग्वेज बैरियर नहीं।